उधर फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार ओबीसी के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चार, सांसद जी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार एक पूरा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, विपक्ष के सभी नेता ही कह रहे हैं पूरी तरह से बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताने में तुले हुए। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी संभावना टटोलते हैं उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है और सरकार का भी बड़ा स्पष्ट मत है। जब से हाईकोर्ट का निर्णय आया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं होंगे। तो कोर्ट ने क्या आदेश किया है, सरकार तो पहले भी पिछड़ों को आरक्षण के साथ ही चुनाव के लिए गई थी। कोई ये नहीं कह सकता कि सब ओबीसी का आरक्षण बिना चुनाव में सरकार गई हो। हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की किसी की आपत्ति पर, याचिका पर, और हाई कोर्ट ने कोई निर्णय किया, फिर भी सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हम चुनाव में नहीं जाएंगे, इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो सरकार का बड़ा साफ स्पष्ट निर्णय है कि ओबीसी का आरक्षण हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है और उसे हम करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। आप सुप्रीमो इसको मुद्दा बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी गांव-गांव एक यात्रा निकालने वाली है, यात्राओं का अपना जोर चल रहा है, तो उनको भी लग रहा होगा भाई मैं चारपाई में कब तक बैठा रहूं, निकलते ही नहीं है, चुनावों में ही जाते हैं, न कभी जनता की सुध लेते, तो अब उनको भी यात्रा करने का मन है तो वो भी यात्रा करें। यात्रा करने से किसी को कोई रोक नहीं है, अच्छा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। राजकुमार चार की बात आपने सुनी। इधर उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों की सुनवाई में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं और लखनऊ के साथ साथ 24 जिलों के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। सीएम योगी का लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश सामने आया है। 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। 8 जिलों में IGRS के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति को पत्र लिखा है। 16 जिलों में पुलिस विभाग के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश है। यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है। आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र और कासगंज के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और जांच में डीएम ऑफिस के कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है। IGRS पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड न करने का आरोप लगा है। IGRS पोर्टल में जो मोबाइल नंबर फीड है उनमें खामियां मिली हैं। लखनऊ, मथुरा, हरदोई, रायबरेली, कासगंज में लापरवाही सामने आई है। ऐसे ही बलिया, मैनपुरी, सहारनपुर, बांदा, कानपुर में लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर में भी लापरवाही दिखाई दी है। संत कबीर नगर में पुलिस से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही पकड़ी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।